उस वक्त बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेपर आउट होने की खबर है। जूलॉजी सेकंड ईयर का पेपर आउट होने की सूचना मिल रही है। 3 बजे शुरू होने वाला पेपर पहले ही व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है। हालांकि अभी तक राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इसे लेकर कोई पुष्टि नहीं की है, पेपर आउट होने को लेकर कोई पुष्टि यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं की गई है। लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वो पेपर जो वायरल हो रहा है। 3 बजे से पेपर होना था, राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेपर आउट होने की सूचना है। जूलॉजी सेकेंड ईयर का पेपर आउट होने की सूचना यहां पर मिल रही है। 3 बजे से पेपर शुरू होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही व्हाट्सएप पर ये पेपर वायरल हो रहा है। और चलिए इस पर बातचीत के लिए संवाददाता भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारत, क्या वाकई में पुष्टि हो पाई है कि वही पेपर है जो 3 बजे आज होना था और उससे पहले ही व्हाट्सएप पर ये वायरल हुआ? बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में 3 बजे जूलॉजी सेकंड ईयर का पेपर आउट होने वाला था, पेपर होने वाला था, लेकिन पेपर होने से पहले ही जो पेपर है जूलॉजी का वो व्हाट्सएप पर आ गया और पूरी तरह से वायरल हो गया। इसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन, हालांकि आउट होने की कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों के हिसाब से जिस प्रकार से हमारे पास खबर आ रही है वो ये आ रही है कि अभी तक राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन है उन्होंने जो वायरल पेपर है उससे हूबहू पेपर का यहाँ पर मिलान किया है, लेकिन अभी तक कोई पुष्टि राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन ने यहाँ पर नहीं की। और फिलहाल जो परीक्षा है वो लगातार राजस्थान यूनिवर्सिटी में जारी है। और मैं आपको बता दूं कि 2 पेपर यहां पर आउट हुए हैं जो कि व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है। जूलॉजी सेकंड ईयर का पेपर है, उसके साथ में मैथ्स का जो पेपर है वो भी यहां पर वायरल हुआ है। हमारी परीक्षा नियंत्रक बीएल गुप्ता से भी बात हुई थी, उन्होंने हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार का कोई इस पर बयान अभी तक नहीं दिया, लेकिन जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से यहाँ पर खबर आ रही है, राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जो वायरल पेपर से और जो मौजूदा जो पेपर है उससे मिलान यहाँ पर किया है और जो वायरल पेपर है वो पूरी तरह से हुबहू यहाँ पर निकला है। श्वेता भारत, ऐसे में तो अभी पेपर तो जारी है, लेकिन अगर इस बात की पुष्टि हो जाती है तो क्या ये पेपर फिर कैंसिल होगा, दोबारा किया जाएगा? क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से इसे लेकर कुछ कहा गया? देखिए, अभी तक फिलहाल राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो परीक्षा नियंत्रक है बीएल गुप्ता, उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा इस वक्त की इस प्रकार की कोई ऐसी सूचना हमारे पास नहीं आई है, लेकिन सूचना आते ही इस पूरे मामले की जांच है वो यहाँ पर करी जाएगी। अगर ऐसा पाया जाता है कि जो वायरल पेपर और जो मौजूदा जो पेपर लगातार जारी है उसका मिलान यहाँ पर होता है तो ये जो परीक्षा है वो रद्द की जाएगी और नई तारीख है जो परीक्षा की वो यहाँ पर तय की जाएगी। चलिए, शुक्रिया।